हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज से हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक, वो करेंगे हम एसी सर्किट एनालिसिस। एसी सर्किट एनालिसिस को अब हम टारगेट लेकर चलने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रॉपर वे में डीसी सर्किट एनालिसिस को और कवर किया था। आज हम इसका सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम एसी सर्किट्स के जो बेसिक फंडामेंटल टर्म्स होते हैं, बेसिक फंडामेंटल टर्म जिसको हम बोल सकते हैं साइनसोइडल वेवफॉर्म में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हो सकती है, साइनसोइडल वेवफॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट होती है, इसको हम लेके आएंगे। क्यों कर रहे हैं सर इस वाले टॉपिक को? क्योंकि जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि साइन वेव होती क्या है, अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म होती क्या है, कौन कौन से उसमें बेसिक फंडामेंटल टर्म्स होते हैं, तब तक आप आगे उसको प्रॉपर वे में समझ नहीं सकते हैं। तो क्या क्या टर्म्स होती है, किन को इसको हमें पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां से सर ये क्लियर है कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपके हमेशा से एग्जाम से पुटअप होती रही है, तो आपको इनको किन किस तरह से याद रख सकते हैं वो हम सारा क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि सर अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है, मतलब साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो साइनसोइडल वेवफॉर्म दिखती कैसे है, किस तरह से हम उसके टर्मिनोलॉजी को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा पूरा टारगेट इसी को लेके चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो में लास्ट तक आपको जुड़े रहना है, एंड वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक सिंपल अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म को तैयार किया। अजू की ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म है जिसको आपने रिप्रेजेंट करा करंट आईटी से। अब सर अगर यहाँ पे ये हमारे पास वेवफॉर्म है तो वेवफॉर्म कैसे ट्रेवल कर रही है, अल्टरनेटिंग है, प्योर साइनसोइडल है, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, अगेन पॉजिटिव साइकिल और अगेन नेगेटिव साइकिल। ये लीजिए, इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक काम करते हैं ओमेगा टी ले लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी। यहां पर ये 0 टू पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई और 3 पाई से 4 पाई। बोलिए सर यही होती है ना वेवफॉर्म? बिल्कुल सर यही होती है, हमें तो यही पढ़ा है और अभी भी यही पढ़ा है। इसमें आप ऑब्जर्व करिए, हमारे पास ये तो है इसकी पॉजिटिव साइकिल और ये इसका नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। इस प्रॉपर वे में इसका एक्सप्रेशन क्या लिखा जाता है, कुछ याद आ रहा हो? आई एम साइन ओमेगा टी लिखा जाता है क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही है। और इसकी पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर, आई एम। और नेगेटिव साइकिल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का आई एम। बोले यहां तक का क्लियर है क्या? अब बात आती है इसी वेवफॉर्म में सारे बेसिक फंडामेंटल टर्म्स हमें आते जाएंगे। इन टर्म्स को आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर होता जाएगा। तो फर्स्ट कौन सी टर्म होती है सर? फर्स्ट होता है हमारे पास साइकिल। अब बात आती है सर साइकिल क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, साइकिल क्या है कि सर यहां से वेवफॉर्म स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव पार्ट कवर किया, फिर नेगेटिव पार्ट को कवर किया, अगेन पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, मतलब एक कंप्लीट सेट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ए साइकिल या ऑफ ए वेवफॉर्म। एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म इज नोन एज साइकिल। तो सर साइकिल की क्लियर है डेफिनेशन। सेकंड टर्म क्या आती है, ध्यान से सुनिएगा, टाइम पीरियड। क्या आता है? टाइम पीरियड। इन बेसिक फंडामेंटल टर्म्स को आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे इंपोर्टेंट है, ड्राइव करने लायक है, उनको हम प्रॉपर ड्राइव भी करके चलेंगे। टाइम पीरियड क्या है कि सर टाइम पीरियड एक ऐसा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है जिसमें हमारे पास अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म अपना कंप्लीट साइकिल को कवर कर लेती है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसके बाद हमारी वेवफॉर्म रिपीट हो रही है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। अब देखिए सर इस वेवफॉर्म में हमारे पास यहां से वेवफॉर्म स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव वैल्यू ली, नेगेटिव, वापस से वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, किसके बाद, 2 पाई के बाद। तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है, इस टाइम को क्या बोला जाता है सर, टाइम पीरियड, मतलब एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एक कंप्लीट साइकिल इज कवर्ड बाय द अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म इज नोन एज टाइम पीरियड। तो सर टाइम पीरियड का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या आती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको ध्यान से देखिए अब सर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, तो आपको ध्यान रखिएगा हमने क्या बोला कि सर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई ना कोई जो वेवफॉर्म उसकी वैल्यू तो होगी। जैसे ये हमारे पास टाइम पीरियड है, तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड पे यदि हम यहाँ पे बात करें कि स्टार्टिंग में कुछ करंट की वैल्यू यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक इंस्टेंट पर हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब हर इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू मिल रही है। तो मतलब एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, डेफिनेशन से लिखिएगा एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ ए साइनसोइडल वेवफॉर्म इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किस पे डिपेंड करती है? टाइम पर। तो सर इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ध्यान से लिखिएगा, आई टी इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन है जो स्टार्टिंग इक्वेशन बनती आती है। अब आप समझिए यहां पर आई टी क्या है, ध्यान से लिखिएगा आई टी क्या है सर यहां पर, सर यहां पर आई टी है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई टी क्या है हमारी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। क्लियर है क्या? सर आई एम क्या है? सर आई एम होती है हमारे पास पीक वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मैक्सिमम वैल्यू। और ये ध्यान रखिएगा कई बार इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आगे बढ़े, सर ओमेगा क्या है? सर ओमेगा होती है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सारे टर्म आपको एक ही इक्वेशन में बता रहा हूं। ये क्या है हमारे पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर किससे इंडिकेट करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को? ध्यान रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एफ। कुछ याद आ रहेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एफ। यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़े, ओमेगा तो हो गया। सर यहां से एफ क्या है? तो सर एफ जो है हमारा उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। सर फ्रीक्वेंसी को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? तो सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू वन अपॉन टी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। याद आ रहा है क्या? तो सर अगर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है तो टी क्या है? टाइम पीरियड। टी क्या है हमारा? टाइम पीरियड। बोले जाता है, क्लियर है क्या? हाँ, अगर एफ की वैल्यू वन अपॉन टी है तो सर हम ओमेगा को इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या? ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एफ की जगह वन अपॉन टी। तो ये भी तो भैया हमारा किसका फॉर्मूला है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। बोलिए यहां तक के कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, टी तो हो गया नॉर्मल टाइम। सर फाई क्या है? फाई होता है हमारा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, अब फेज डिफरेंस क्या है तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे जो वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही है। जीरो से स्टार्ट मतलब ओरिजिन से, मतलब फाई की वैल्यू जीरो। बट यदि यही वेवफॉर्म हमारे मान के चलिए यहां से स्टार्ट हो रही होती है, या फिर यहां से स्टार्ट हो रही होती, कुछ एंगल आगे पीछे होता, उस केस में वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास फाई। यहां तक का क्लियर है? मतलब हमारे पास बेसिक टर्म कौन कौन सी यहाँ पर आ चुकी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, इसके बाद में हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये आपको पता होना चाहिए, इन सबकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद आपको फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी के बाद में आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म क्या आती है? मैक्सिमम वैल्यू एंड पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एंड जिसको क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। तो बोलिए सर यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? मतलब बेसिक फंडामेंटल टर्म्स और उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने सिंपलेस्ट वे में समझाने की आपको कोशिश करी है। आई होप आपको आज का जो ये वीडियो हमने शेयर किया है, जिसके अंदर हमने बेसिक फंडामेंटल टर्म्स को कवर किया, वो आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आएंगे? एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, फोर एंड मोर फंडामेंटल टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और आपके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं।
तो किस तरह से उनको हम यूज में लेंगे, कैसे हम उनके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, उसी कंसेप्ट को समझने के लिए अपन अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो एंड उसके बाद प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा इसी फंडामेंटल टर्म्स पे बेस न्यूमेरिकल्स की ओर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, एंड अगर आपको कोई सजेशन हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।